तो हेलो भाई लोग, मैं हूं टोटल क्रिकेट और आज है हमारे पास काफी सारी अपडेट। चलते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ, जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का सेकेंड टेस्ट मैच। अब जो जो क्रिकेट फैन है सबको पता होगा कि पहला मैच बहुत खतरनाक तरीके से साउथ अफ्रीका इंडिया से जीत गई थी, 3 दिन के अंदर ही जीत गई थी और ये इंडिया की बहुत बड़ी हार। अगला टेस्ट मैच केपटाउन में 3 तारीख से खेला जाना था और आज तक के क्रिकेट इतिहास में इंडिया साउथ अफ्रीका से केपटाउन में कभी नहीं जीती। पर ये पहले की बात को छोड़ो और नए साल में नई शुरुआत करने आई टीम इंडिया आज क्या ही बॉलिंग करी भाई। जैसे ही मैच शुरुआत हुआ तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने टॉस जीता। टेम्बा बमुमा को बुखार चल रही है, वो घर में बैठे हुए हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी डीन एल्गर कर रहे थे जो लास्ट मैच में शतक मार के आए थे। टॉस जीत के इन्होंने बैटिंग चुनी और सबको लगा ये बैटिंग पिच है क्योंकि भाई इन्होंने बैटिंग चुनी है टॉस जीतने के बाद। लेकिन जब बॉलिंग करने आए हमारे सिराज मियां तो दूसरे ही ओवर में हमारे मार्करम भाई का इन्होंने चना जोर गरम कर दिया और 5 रन के कुल टीम स्कोर में इनका पहला विकेट गिर गया। देखते ही देखते पिछले मैच की शतक धारी और इस टीम के कप्तान, इस मैच में कप्तानी करने वाले डीन एल्गर भी 8 रन के टोटल टीम स्कोर में घर लौट गए। इसके बाद बैटिंग में ट्रस्टन स्टब आए जो पहली बार टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे और इनको बॉलिंग करने आए हमारे बुमराह भाई ने चलता कर दिया। 11 के टोटल टीम स्कोर में 3 विकेट हो गए इनके। इसके बाद फिर से सिराज आए और फिर से इनको पूरा बुक कर दिया। 55 रन के टोटल स्कोर में इनके 10 विकेट गिर गए जो इनका सबसे लोएस्ट स्कोर है इंडिया के खिलाफ। इंडिया की तरफ से कमाल की बॉलिंग कर रहे थे सिराज। 9 ओवर में इन्होंने 15 रन देके 6 विकेट लिए, वहीं बुमराह ने 8 ओवर में 25 रन देके 2 विकेट लिए। वहीं मुकेश कुमार ने तो 2.2 मतलब 14 बॉल फेंकी, 0 रन दिए और 2 विकेट। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ जब तक ये 55 में 10 हो गए इंडिया की बैटिंग नहीं आ पाई है। मुझे नहीं पता इंडिया कितना स्कोर करती है, वैसे इंडिया इस मैच को पक्का जीत जाएगी। आपको क्या लगता है इंडिया इस मैच को जीतेगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट साउथ अफ्रीका टीम से रिलेटेड है। बात यह है कि इंडिया के पास साउथ अफ्रीका के मैचेस होने वाले हैं, न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैचेस भी होंगे और T20 मैचेस भी। तो अभी बात कुछ है कि साउथ अफ्रीका के मैचेस क्लैश हो रहे हैं, टेस्ट और T20 दोनों। ऐसी सिचुएशन में साउथ अफ्रीका का मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि साउथ अफ्रीका की मेन टीम को भेज रहा है T20 खेलने के लिए, साउथ अफ्रीका की बी टीम जो टीम ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं उसके 2 प्लेयर बस डेब्यू किए हुए हैं, बाकी सारे के सारे प्लेयर अनकैप्ड है, ऐसी टीम को भेज रहा है टेस्ट खेलने के। मतलब आप भी देख सकते हैं इनमें से कोई प्लेयर को मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते होंगे क्योंकि ये सारे के सारे अनकैप्ड हैं जो टेस्ट खेलने वाले हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। अब ऐसी सिचुएशन में स्टीव वॉ जो कि पुराने बैट्समैन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका को कोई परवाह नहीं है टेस्ट क्रिकेट, और अगर मैं न्यूजीलैंड का प्लेयर होता तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत है। और भाई यही चीज रोहित शर्मा भी बोले कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है और हमें इसे अलाइव रखना होगा, एंटरटेन रखना होगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक बहुत बड़ा स्तंभ है क्रिकेट का। वसीम अकरम भी यही बोले, आपको पता होगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे वसीम अकरम ने बोला। अब वसीम अकरम फॉर्मर प्लेयर है पाकिस्तान के, यदि आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। इन्होंने बोला शाहीन अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस में कैप्टन रहने वाले हैं, पर इसकी कौन परवाह करता है, T20 क्रिकेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है एंड फाइनेंशियल गेन के लिए, बट रियल क्रिकेट सिर्फ एक ही है वो है टेस्ट क्रिकेट। अब जब पाकिस्तान की बात आई गई तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच हो रहा है वो डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट मैच है उनके करियर का। और इस फाइनल टेस्ट के पहले पाकिस्तान में किसी ने डेविड वार्नर का बैग चुरा लिया। हाँ भाई, उनका बैग चोरी हो गया और उसमें उनकी कैप। अब डेविड वार्नर ने रिक्वेस्ट किया है कि जिसने भी उनका बैग लिया है वो लाके दे जाए, वो उसे नई कैप और नया बैग दे देंगे, लेकिन ये वाली कैप जो इस बैग के अंदर है जो चोरी हो गया है वो उनसे रिलेटेड है, उस कैप से उनके सेंटीमेंट जुड़े हैं। तो भाई जिसने भी उनका बैग लिया है जरूर से लौटा देना। Inside this backpack was my baggy grains. That's sentimental to me. It's something that I would love to have back in my hands walking out there coming this week. You won't get into trouble. Please reach out to Cricket Australia or myself via My social media. चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो आपको पता होगा कि RCB की बॉलिंग लाइनअप इस साल काफी अच्छी नहीं हो पाई है, उन्होंने अच्छे बॉलर परचेस नहीं किए। तो बात कुछ है, एक यूट्यूबर है तने, उनके साथ जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे वो तो उनके साथ खेल रहे थे यजवेंद्र चहल पबजी मोबाइल, और भाई तने ने पूछा कि RCB की बॉलिंग चहल भाई आपको कैसी लग रही है, तो चहल भाई ने कुछ ये रिप्लाई किया। इस बार की RCB की बॉलिंग लाइनअप देख के आपका कुछ कहना? मोए मोए भाई भाई मोए मोए तो चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। आपको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है और काफी टाइम हो गया इंडिया को वर्ल्ड कप हारे और सभी प्लेयर वर्ल्ड कप हारने के बाद बहुत ज्यादा सैड थे, ये भी आपको दिख गया था। लेकिन अभी एक अनसीन वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो किसी दर्शक ने शूट की थी। उस वीडियो में क्या हुआ था कि जब ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई थी वर्ल्ड कप को तो विराट कोहली बहुत ज्यादा सैड थे और वो गिल्ली भी गिरा दिए थे, आप खुद देख सकते हैं उस वीडियो को।